Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fisherholic. Today, I am going to discuss about introduction of aquaculture part 2. Guys, this video is very important for your ICR fisheries BG exam and other fisheries related exam. Before starting a video, it's a request, if you are new to this channel, please do subscribe to my channel. So, our very next topic is aquatic insects and their control. सो एक्वेटिक इंसेक्ट्स कॉन्स्टिटेड अबाउट फोर परसेंट ऑफ टोटल इंसेक्ट फोना विच एग्जिबिट एग्जिट इन दर्ल्ड ठीक है सो हमारे जो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं वो अराउंड फोर परसेंट हैं टोटल इंसेक्ट फोना के ये याद रखिएगा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कितना परसेंट हमारा टोटल इंसेक्ट फोना में हमारे एक्वेटिक इंसेक्ट प्रजेंट हैं या कॉन्स्टिट करते हैं ओके एक्वेटिक इंसेक्ट्स आइदर इन देयर एडल्ट और लावर स्टेजेस प्रे डायरेक्टली ऑन काप स्पॉन और इंजर्ड द यंग वन्स बाय सकिंग बॉडी फ्लूड और इनडायरेक्टली कॉम्पेटिंग फॉर फूड विद द काप स्पॉन सो ये कैसे हार्मफुल है हमारी फिशेज के लिए या फिर काप्स के लिए सो so, ये जो होते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट्स ये जो होते हैं डायरेक्टली स्प्रे करते हैं हमारे स्पॉन्स पे क्योंकि तो जो स्पॉन होता है वो साइज सबसे छोटा साइज होता है हमारी फिशेज का तो ये क्या करते हैं उनका जो बॉडी फ्लड है वो सक कर लेते हैं अपने जो भी सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं उनसे सो so, और इनडायरेक्टली uh, कंपीट करते हैं फूड के लिए फॉर विद देआर फॉर द पॉन कल्चर टेक्निक इंक्लूड्स द रिमूवल कंट्रोल ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक इंसेक्ट्स सच इरेडिकेशन ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट फ्राम प्रॉन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनक्रीजिंग फ्राई सर्वाइवल रेट क्यों क्योंकि हमारा जो स्पॉन है उसके बाद हमारी कौन सी स्टेज आती है फ्राई तो अगर हम स्पॉन स्टेजेस को बचा लेंगे तभी हमारा फ्राई वाला जो सर्वाइवल रेट है वो अच्छा होगा इसलिए हमें इंसेक्ट्स को इरेडिकेट करने की ज़रूरत होती है ओके हाउ एवर कॉमन इंसेक्ट्स फाउंड इन कल्चरेबल पौंड बींग स्मॉलर इन साइज कैन नॉट मेक एनी हार्म टू रेदर बिगर साइज फिश इंक्लूडिंग इंग फिंगरलिंग एंड ईयरलिंग क्योंकि हमारी फिंगरलिंग और एयरलिंग इतना बड़ा साइज होता है कि ये जो कॉमन इंसेक्ट्स होते हैं वो इतना हार्म नहीं करते हैं हमारे इन फिशेस को इन साइज की फिशेस को ओके दस रिमूवल और कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन स्टॉकिंग पॉन्ड इज नॉट कंपल्सरी स्टॉकिंग पॉन्ड में कंपल्सरी नहीं है कौन से पॉन्ड्स में कंपलसरी होना चाहिए नर्सरी पॉन्ड्स में और जो रेयरिंग पॉन्ड्स होते हैं जिसमें हमारा स्पॉन हम जो स्पॉन स्टॉक करते हैं उनमें हमारा नेसेसरी होता है ये सो आउट ऑफ इलेवन क्लास ऑफ इंसेक्टा इलेवन क्लास जो हमारी हैं इंसेक्टा की उनमें से थ्री ऑर्डर्स जो हैं हेमिपटेरा सिलोपटेरा एंड ओडंटा ये जो है ये हमारे मेन एक्वेटिक इंसेक्ट्स के ठीक है ये याद रखिएगा ये पूछ सकते हैं एग्जाम में

ओके ऑर्डर सिलोपटेरा फैमिली डिसडी साइबेस्टर डाइविंग बीटल हाइड्रोफिलाइडी हाइड्रोफिलस स्केवेंजर बीटल ओडेंटा ड्रैगन फ्लाई निम्फ देन हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है इंक्लूड्स वाटर बग आर रिलेटिवली मोर डेंजरस एज देयर कंप्लीट एक्वेटिक लाइफ हमारे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि कौन से इंसेक्ट जो एक्वेटिक इंसेक्ट है कौन सा ऑर्डर है जो पूरी लाइफ अपना लार्वर एज वेल एज एडल्ट हमारा कंप्लीटली एक्वेटिक होता है सो so, कौन सा ऑर्डर है हेमेप्टेरा याद रखिएगा हेमेप्टेरा इज एक्वेटिक लाइफ बोथ इन लार्वर एज वेल एज एडल्ट स्टेज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पियर्सिव पियर्सिंग मैंडिबल्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स इनके पियर्सिंग मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ प्रेडेशन इंटेंसिटी क्या है हमारी जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है वो कितनी देर में कितने हमारे स्पॉन्स को ख़त्म कर सकते हैं या फ्राई को ख़त्म कर सकते हैं कंज्यूम कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है वो आप देखेंगे साइबेस्टर कंज्यूम्स अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी फ्राई ऑफ ट्वेंटी टू फोर्टी एम इन ट्वेंटी आवर्स ओके so next is anopus and ranatra consumes about 182 to 120 carp spawn respectively in 24 hours you can see how if how much effect they cause on the carp spawn dragonfly nymph consumes about seven fry in 3 hours and 24 spawns in 24 hours these bugs सीक्रीट्स टिक्सरी सबस्टेंस विच किल द्रे नेक्स्ट कंट्रोल मेजर्स का क्या है हमारे सिंपल वे ऑफ कंट्रोलिंग इज बाय नेटिंग बट कम्प्लीट रिमूवल इज नॉट पॉसिबल बाई नेटिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑयल सोप इमल्शन इज इन द रेशियो ऑफ फिफ्टी सिक्स रेशियो एटीन विच मीन्स फिफ्टी सिक्स लीटर ऑफ ऑयल एंड एटीन के जी ऑफ सोप पर हैक्टेयर इज यूज़ फॉर प्रैक्टिस ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऑयल सोप इमल्शन हमें कितना यूज़ करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए एक्वेटिक इंसेक्ट्स को सो so, आप याद रखिएगा कि फिफ्टी सिक्स रेशियो एटीन या फिर थ्री रेशियो वन का हमारा एक एप्लीकेशन होता है रेशियो में उसे हमें फॉलो करना ज़रूरी है जब हमें रिमूव करना है इन्हें इट इज़ रिकमेंडेड टू अप्लाई ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स बिफोर रिलीजिंग द स्पॉन स्पॉन के रिलीज करने से ट्वेंटी फोर आवर्स पहले हमें ये एप्लीकेशन करनी है ऑयल फिल्म जो फ्लोट ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर जो ऑयल जो हमारा ये इफेक्ट कैसे करेगा ये देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑयल इमल्शन सोप ऑयल इमल्शन सो दीज इंसेक्ट पीरियडिकली कम टू सरफेस रेगुलरली फॉर ब्रीथिंग एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन बाई रेजिंग

लार्ज पौंड रेंजिंग फ्रॉम वन हैक्टेयर टू फाइव हेक्टेयर आर यूज मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का सिंपली हमारा पॉन्ड जो होता है वो बहुत लार्ज होता है लार्ज इनफ होता है वन टू फाइव हेक्टेयर होता है नो सप्लीमेंट फीडिंग इज गिवेन और फर्टिलाइजेशन इज़ प्रोवाइडेड हारवेस्ट हमारा फाइव हंड्रेड टू टू थाउजेंड के जी पर हेक्टेयर आ जाता है ग्रोथ जो हमारी होती है वो लिमिटेड होती है बाय द अवेलेबल फूड जैसे कि हमारे जू प्लैक्टॉन फीडिंग ऑन द प्लेजिक एल्गी बेंथिक एनिमल्स सच एज एसक्रिस्टेशन एंड मोलस्क या फिल्टर फीडर फिल्टर फीड डायरेक्टली ऑन द फाइटो प्लेंगटन विच मेक हायर प्रोडक्शन पॉसिबल मतलब हम जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग क्या है लेस मैनेजमेंट ऐसे आप याद रख सकते हैं कि लेस मैनेजमेंट है लार्ज पॉन्ड्स होते हैं लार्ज पॉइंट्स होते हैं ग्रोथ जो होती है हमारी वो लिमिटेड होती है एज़ कंपेयर टू अवेलेबल फूड मतलब जो अवेलेबल फूड है वो ऑब्वियसली कम होता है तो हमारी जो ग्रोथ uh, होती है वो भी कम होती है नेक्स्ट चलते हैं हम सेमी इंटेंसिव फार्मिंग ये थोड़ा इन्वॉल्व होती है मतलब ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा मैनेजमेंट हम इसमें करते हैं इस फार्मिंग में सो इन्व रेदर स्मॉल पॉन्ड्स स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं इन कंपेरिजन टू एक्सटेंसिव फार्मिंग उसमें हमारे लार्ज पॉन्ड्स होते फाइव टू वन टू फाइव हेक्टेयर के याद रखिएगा इसमें हमारे जो पॉन्ड्स होते हैं वो जीरो पॉइंट फाइव टू वन हेक्टेयर के होते हैं नेचुरल फूड डेवलप्ड बाई फर्टिलाइजेशन एंड और विदाउट सप्लीमेंटल फीड फॉर फिश बट इन श्रिम्फ सप्लीमेंट फीड इज डन श्रिम्प फार्मिंग में यानी कि जो हमारी श्रिम्प के लिए हम सेमी इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं उस उसमें हम सप्लीमेंट फीड उसे प्रोवाइड कराते हैं हार्वेस्ट हमारा एक्सटेंसिव फार्मिंग से ज़्यादा होता है कितना टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू टेन थाउजेंड के जी फिशेज और वन हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड श्रिम्प का होता है हमारा नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिव फिश फार्मिंग इंटेंसिव फिश फार्मिंग सबसे वेल मैनेज फार्म होता है फॉर्म ऑफ फिश फार्मिंग होती है टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिश फ्रॉम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर मिनिमम क्वांटिटी होगी मैक्सिमम हमारी प्रोडक्शन होगी ठीक है दिस सिस्टम इन्वॉल्व स्मॉल पॉन्ड्स टैंक्स रेसवेज विद वेरी हाई स्टॉकिंग डेंसिटी स्टॉकिंग डेंसिटी हमारी बहुत हाई होती है नेक्स्ट देखते हैं ये हमारे फ्लो थ्रू सिस्टम जो है वो हमारे इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम में आ जाते हैं फ्लो थ्रू में क्या क्या है फ्लो थ्रू मैथड कहलाता है, है। running water. Running water, उन्हें एक प्रोवाइड करना है रिवर का सो so, हमारा रनिंग वाटर होता है रेसवेज में रेसवेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड फ्लो थ्रू सिस्टम टू अनेबल रियरिंग ऑफ मच डेंसर पॉपुलेशन ऑफ फिशेज सो फ्लो थ्रू सिस्टम हमारा ज़्यादा डेंसर पॉपुलेशन के लिए रेयरिंग के लिए यूज होता है नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ वाटर आर स्प्रिंग सॉरी गाइस, सोर्स ऑफ वाटर हमारे क्या क्या है स्प्रिंग स्ट्रीम्स डीप वेल्स रिजर्वायर्स दीज आर मच स्मॉलर एक लेस स्पेस एंड पॉइंट्स सो हमारे जो रेस वेज हैं हम जो हमारे हिली एरियाज हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द कल्चर ऑफ फिशेज सो दीज आर वेरी इफेक्टिव फॉर हिली एरियाज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट ब्लॉक्स और मे बी लाइन बाई प्लास्टिक प्लास्टिक मटीरियल रेस वेस फॉर्म्स कैन बी सीरीज लाइनर पैलर एंड लेटरल डिजाइन स्लोप जो है हमारा वन टू टू परसेंट होना चाहिए वन सेगमेंट शुड भी थर्टी मीटर लॉन्ग एंड टू पॉइंट फाइव टू थ्री मीटर वाइड एट द बॉटम एंड पॉइंट वन टू वन पॉइंट डीप होना चाहिए कंटेन्स टेन टू ट्वेंटी सेगमेंट्स ऑल सेगमेंट शुड बी स्ट्रेट टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म फ्लो जैसा कि आप ये इसमें देख सकते हैं लीनियर और टाइप और सीरीज टाइप में कैसे होते हैं पॉन्ड अरेंज इन द सीक्वेंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग ईच पॉइंट इज लार्जर एंड एज द सेम वाटर इज यूज रिपीटेडली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑक्रेंस ऑफ डिसीज इन इनिशियल पॉइंट्स में डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पॉइंट्स अगर हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं सीधा हमारे एक पॉन्ट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो रहा है वाटर तो हमारा अगर डिसीज इस पॉन्ड में है तो यहाँ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस चीज़ में नेक्स्ट हमारा है लेटरल पॉन्ड्स लेड आउट इन अ पैरल टाइप द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग द पॉन्ड इज स्मॉलर बट अ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑलवेज इंश्योर्ड एंड नो ट्रांसफर ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ये पॉन्ड हमारे जो लिटरल टाइप पॉन्ड्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा वाटर जो जा रहा है वो अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग वाटर सप्लाई के थ्रू जा रहा है डिफरेंट वाटर सप्लाई है इसमें सो तो हमारे डिसीज का जो ट्रांसफर है वो इस पॉइंट में अगर होगा तो यहीं पे रुक जाएगा दूसरे पॉइंट में जाने के चांसेस बहुत कम है ठीक है नेक्स्ट देख सकते हैं आप फ्लू थ्रू सिस्टम कैसे होते हैं ये हमारे लेटरल जो अभी आपने देखे सीरीज में नहीं है ये पैडलर है एक दूसरे के सो पर्टिकुलर वाटर सप्लाई इसमें आ रही है नेक्स्ट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सो रिसर्कुलेटरी से आपको यह पता चल ही रहा है कि हमारा जो वाटर है वो रिसर्कुलेट होके बार बार यूज होगा सो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एक्वाकल्चर सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट ट्रीटमेंट एंड री यूज ऑफ वाटर विद लेस देन टेन परसेंट ऑफ टोटल वाटर वॉल्यूम रिप्लेस पर डे टेन परसेंट से कम लेस देन टेन परसेंट हमारा वाटर जो है वो रिप्लेस होगा पर डे द मेन बेनिफिट ऑफ आर एस यानी कि हमारा री सर्कुलेटरी सिस्टम इज द एबिलिटी टू रिड्यूस द नीड फॉर फ्रेश एंड क्लीन वाटर वाइल स्टिल मेंटेनिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर फिश हमारे ये क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं नीड को क्लीन और फ्रेश वाटर की क्योंकि इसमें भी हम हमारा एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे फिश के लिए प्रजेंट होता है ओके okay, गाइज नेक्स्ट देखते हैं आप देख सकते हैं आर एस मॉडल कैसा है हमारा थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ जैसा कि देख सकते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर है यहाँ पे फिश बैंक्स यहाँ पे है डिस इनफेक्शन डिस के लिए हमारे ट्रीटमेंट प्लांट होता है ठीक है पम्प्स वगैरह वॉल्यूम वाटर यहाँ से हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया हमारी वाटर सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर्स यूज़ हो रहे हैं नेक्स्ट हमारी क्या प्रोसेस होती है सो so, बायोफिल्ट्रेशन होता है हमारा सॉलिड रिमूवल होता है सॉलिड जो होते हैं वो रिमूव होते हैं यहाँ वैक्यूम के थ्रू और मैनवली ऑक्सीजनेशन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कैन बी इंक्रीज थ्रू टू मैथड्स एरिएशन एंड ऑक्सीजिनेशन सो इन एरिएशन एयर पम्प आर यूज एंड सिमलर डिवाइस क्रिएट स्मॉल बबल्स स्मॉल बबल्स होंगे उनके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी फिशेस और हमारे वाटर में डिजोल्व होंगे पीएच हमारा कंट्रोल होता है बाय एडिशन ऑफ लाइम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डिस्कसिंग सीओ टू इन अ पैक्ड वॉल्यूम और विद अ एडिएटर ओके गाइस नेक्स्ट टाइम हमारा एडवांटेजेस क्या है रिड्यूज द वाटर रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू रेसवेज एंड फॉन्ड एक्वाकल्चर कल्चर रिड्यूज लैंड नीड्स टू हाई स्टॉकिंग डेंसिटी साइट सिलेक्शन फ्लैक्सिबिलिटी इंडिपेंडेंस ऑफ फ्राम लार्ज एंड क्लीन सोर्स ऑफ वाटर रिडक्शन इंड वेस्ट वाटर इफ्लूएं वॉल्यूम एबिलिटी टू क्लोजली मोनिटर कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन टू मैक्माइज द प्रोडक्शन एफिशियंसी सिमिलर इंडिपेंडेंस फ्राम वेदर एंड वेरिएबल इन्वायरमेंट कंडीशन सो आप देख सकते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट हैं जो रेसवेज और पॉइंट्स में रिक्वायरमेंट हैं वो कम हो जाती है हमारे रेसवेज में और जो लैंड की नीड होती है वो भी कम हो जाती है हम छोटे एरिया में भी रेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और जैसे कि आप साइट सिलेक्शन में सबसे पहले यही देखते हैं कि वाटर जो है हमारा सोर्स जो होता है वाटर सोर्स जो होता है वो क्लीन होना चाहिए सो तो इसमें ऐसी कोई इतनी इफेक्टिव नीड नहीं होती है रिडक्शन इन वेस्ट वाटर इफ्लुएंट वॉल्यूम वेस्ट वाटर इफ्लुएंट वॉल्यूम जो है हमारा वो कम होता है इसमें ठीक है हम क्लोजली इसे मॉनिटर कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं सारी इन्वायरमेंट कंडीशन को अब डिसएडवांटेज क्या है हाईली अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट होते हैं मटीरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट मोस्टली ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड सिस्टम मेंटेनेंस मतलब हमारी सिस्टम मेंटेनेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए जो भी हमारी फ़िल्टर्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली हमेशा काम करने चाहिए तो हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है अ नीड फॉर हाईली ट्रेंड स्टाफ मॉनिटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम Thanks for watching, guys. Do subscribe to my channel for more such videos and do follow me on Instagram too.